मूवी शुरू होती है, हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम युमा तकाड़ा है। वो जापान के एक छोटे से शहर में रहती है और बचपन से ही वो पैरालाइज्ड है। उसकी माँ ही सब कुछ किया करती है और युमा पूरी तरह से अपनी माँ पर निर्भर है। अब ऐसा क्यों है ये आपको जल्द ही पता चल जाएगा। युमा की एक दोस्त भी है जो सालों से उसका आर्ट चोरी कर रही है। वो एक यूट्यूबर है, लेकिन जो चीजें वो अपने चैनल पर अपलोड करती है वो असल में युमा बनाती है। युमा का कोई दोस्त नहीं है और ना ही वो दूसरों जितनी सुंदर है, लेकिन भगवान ने उसे खास कला दी है। वो दुनिया के कुछ चुनिंदा कलाकारों में से एक है जो किसी भी चीज का 3D एनिमेशन कार्टून बना सकती है। उसकी दोस्त उसके इस कला का फायदा उठा रही है और वो युमा को पैसे देती है इसके लिए, लेकिन बहुत कम, और साथ ही वो उसे डांटती भी रहती है। लेकिन युमा का दिल बहुत अच्छा है, इसलिए वो कभी भी उसके बातों का बुरा नहीं मानती और अपना काम करती रहती है, क्योंकि वही उसकी एक दोस्त है जिसके साथ वो अपनी बातें शेयर करती है। युमा स्कूल भी नहीं जाती क्योंकि बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं और उसकी माँ के पास उसे स्कूल भेजने के लिए उतने पैसे भी नहीं है, इसलिए उन्होंने सोचा कि अपनी शुरुआती जिंदगी वो ऐसे ही बिताएंगे। तभी सयाका जो उसकी दोस्त है उसके पास उसका मैनेजर आता है जो इसके लिए एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा था, क्योंकि उसके चैनल के 1 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं और ढेर सारे लोग उससे मिलना चाहते हैं जो उसकी पेंटिंग्स और कार्टून्स के दीवाने हैं। वहीं जब मैनेजर युमा को देखता है तो कहता है कि ना आप इन्हें भी साथ लेकर आए, ऐसे लोगों के बीच में आपके लिए एक अच्छी इमेज बनेगी और उन्हें अच्छा लगेगा कि आपने एक अपाहिज लड़की को काम दिया है। सया का कोई आइडिया भी ठीक लगता है, इसलिए वो हाँ कर देती है, लेकिन वो अपने मैनेजर को ये नहीं बताती है कि सारे के सारे आर्ट्स वो ही बनाती है। जिसके कुछ ही दिन बाद इवेंट का दिन आता है, युमा सुबह सुबह उठती है और उसकी मॉम उसे तैयार करती है, जिसके बाद वो उसे इवेंट लेकर आती है। वह युमा देखती कि सारे बच्चे आए हुए हैं। वो सयाका को देखते हैं, उसे पहचानते हैं और उसके आर्ट को पसंद भी करते हैं। वहाँ इतनी भीड़ होती है कि युमा को अंदर जाने का मौका तक नहीं मिलता, इसलिए वो बाहर से ही सयाका को हाथ हिलाती है, लेकिन सयाका उसे देखकर भी नजरअंदाज कर देती है, क्योंकि उसे डर है कि कहीं किसी को ये ना पता चल जाए कि ये सारे आर्ट्स उसने नहीं बल्कि युमा ने बनाए हैं, और अगर ऐसा हुआ तो सारा का सारा पैसा और फेम उसके पास चला जाएगा। अब ये बात युमा को काफी दुख देती है। वो अभी छोटी बच्ची है, उसके लिए ये बहुत ही बड़ा झटका है, इसलिए वो चुपचाप घर आ जाती है और अपनी माँ को कुछ भी नहीं बताती। उसकी माँ बार बार उससे पूछती है कि मेरी बेटी को क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्या उसको किसी ने तंग किया है, लेकिन युमा कुछ नहीं कहती और अपने कमरे में जाकर सो जाती है। वही सोते समय हम उसके हाथ में एक स्केच देखते हैं जिसमें एक बच्ची एक आदमी के साथ खेल रही है। शायद ये उसके पापा होंगे जिन्हें वो अभी मिस कर रही है, इसलिए वो उसे अपने सीने से लगाकर सो जाती है। जिसके कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि सयाका युमा के पास आती है और उसे फिर से काम करने के लिए कहती है और वो उसे बहलाने के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स भी देती है। अब सयाका का काम युमा के बिना नहीं चल सकता क्योंकि उसके चैनल पर सिर्फ युमा के बनाए हुए आर्ट्स हैं। वो युमा को मनाने की पूरी कोशिश करती है और कहती है कि मेरे एक स्पॉन्सर वाले से बात हुई है और उन्होंने हमें एक हफ्ते का समय दिया है, तब तक हमें बहुत सारे आर्ट्स बनाने हैं, जिसके लिए युमा हाँ में सिर हिला देती है, लेकिन उसके मन में जाने की इच्छा नहीं होती। उसी दिन वाली घटना से वो बहुत ही दुखी होती है, इसलिए सयाका के जाने के बाद युमा कुछ और जगहों पर मेल करती है जहाँ लोगों को आर्टिस्ट की जरूरत हो सकती है। लेकिन जब वो मेल भेजती है तो सभी लोग उसे ये कहकर मना कर देते हैं कि वो एक यूट्यूबर सयाका की कॉपी कर रही है। तभी युमा को एहसास होता है कि उसने सालों से जो मेहनत करी है उसका मजा कोई और ही ले रहा है, उसकी बनाई पहचान अब किसी और की बन गई है। लेकिन एक दिन उसे एक जगह से कॉल आती है जिसके बाद युमा उनके ऑफिस में जाती है। वहाँ पर सभी लोग उसे देखकर हैरान रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने अब तक इस कंपनी में किसी अपाइज लड़की को नहीं देखा था। तभी वहाँ की मैनेजर उससे मिलती है और अपना नाम फुजीमोटो बताती है। जब फुजीमोटो युमा की कॉमिक देखती है तो वो काफी इम्प्रेस होती है, उसके टैलेंट की वो बहुत ही तारीफ भी करती है। फुजीमोटो युमा को बताती है कि उसकी कंपनी एडल्ट कॉमिक्स बनाती है और उन्हें किसी ऐसे इंसान की तलाश है जो एडल्ट लोग को लुभा सके। युमा कहती है कि उसकी भी कॉमिक्स काफी अच्छी है और अगर वो चाहे तो उसी तरह की एडल्ट कॉमिक्स वो भी बना सकती है, लेकिन फुजीमोटो मना कर देती है और वो उसे पूछती है कि क्या तुम्हें कोई एक्सपीरियंस है। युमा जवाब देती कि हाँ हाँ, मैंने एक दो जगह पर जॉब किया है, मुझे एक्सपीरियंस तो है। तो फुजीमोटो कहती है कि अरे नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि क्या तुम किसी के साथ इंटीमेट हुए हो। युमा कहती कि नहीं। फिर फुजीमोटो कहती है कि तुम्हें पहले उस चीज को महसूस करना होगा और समझना होगा, तभी तुम उस आर्ट को सही तरीके से बना पाओगी। वैसे तुम्हारी आर्ट तो काफी इम्प्रेसिव है। अब युमा को ये जॉब चाहिए थी क्योंकि इसके अलावा वो कोई और काम भी तो नहीं कर सकती है, इसलिए वो घर जाकर कुछ एडल्ट कंटेंट देखने लगती है और फिर उसकी आर्ट बनाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आता।
तभी उसे एक साइट मिलती है जहाँ कई लड़के होते हैं। शायद वो कोई डेटिंग साइट हो सकती है जिस पर युमा कई लड़कों से बातें करती है और अगले दिन मॉम से झूठ बोलकर वो उन लड़कों से मिलने भी जाती है। उसकी मॉम को लगता है कि वो शायद सायगा के घर जा रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। अब हम देखते हैं कि युमा एक कैफे में जाती है जहाँ सभी लड़के उसकी बीमारी का मजाक उड़ाकर चले जाते हैं, जिससे युमा बहुत ही ज्यादा मायूस हो जाती है। तभी उसके पास एक लड़का आता है और उसे बात करने में इंटरेस्ट दिखाता है। दोनों बात करते हैं और अगली मुलाकात के लिए वो लड़का युमा को एक जगह का एड्रेस देता है और कहता है कि तुम यहाँ पर कल आ जाना, हम वहीं मिलेंगे। अब युमा बहुत ही खुश होती है, वो पहली बार किसी लड़के से बात कर रही थी और ये एहसास उसके लिए काफी खास होता है, जिसके अगले दिन वो पूरी तरह से तैयार होकर उस एड्रेस पर पहुंच जाती है। लेकिन असल में ये जगह एक रेड लाइट एरिया थी और युमा को इसका कोई अंदाजा नहीं था। वो वहां पर काफी देर तक उस लड़के का इंतजार करती है, लेकिन वो लड़का आता ही नहीं। उसने युमा को धोखा दिया था और उसको ऐसी जगह पर छोड़ दिया। युमा का दिल टूट जाता है और युमा चुपचाप उदास होकर वापस जाने लगती है। अब काफी देर हो चुकी थी, लेकिन बीच रास्ते में उसे एक अजीब सा आदमी मिलता है। वो आदमी उससे पूछता है कि बेटा क्या आप किसी को ढूंढ रही हैं? तो युमा उस आदमी को उसी लड़के का फोटो दिखाती है और कहते कि हाँ हाँ मैं इससे मिलने आई थी। वो आदमी कहता है ठीक है आओ आओ मैं मिलवाता हूँ उससे। युमा काफी मासूम थी, उसे नहीं पता था कि वो किस जगह पर खड़ी है। जिसके बाद वो आदमी उसे कमरे में ले जाता है और नीचे उसकी बोली लगती है। वहाँ एक आदमी उसके लिए सबसे ज्यादा पैसे देता है। घंटे भर कमरे में बैठने के बाद वो आदमी उसके पास आता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो उसकी हालत देखता है तो बीच में रुक जाता है क्योंकि युमा रोने लगती है, जिस वजह से वो आदमी अपने पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। अब ये एहसास युमा के लिए काफी अजीब और दर्दनाक था, जो वो कभी दोबारा महसूस नहीं करना चाहेगी। अब वो खुद को साफ करके नीचे आती है। वहीं रात भी काफी हो चुकी थी और अब उसे घर भी जाना है, क्योंकि उसकी माँ का फोन बार बार आ रहा था, लेकिन वो हर बार उसे डिक्लाइन कर रही थी। अब लिफ्ट के बाहर खड़ी होकर वो उसके आने का इंतजार कर रही है, तो वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम मई है, जो उसी जगह पर काम करती थी। वो उसे बताती है कि लिफ्ट काम नहीं कर रहा बेटा, तुम सीढ़ियों से चली जाओ। लेकिन जब वो युमा की हालत देखती है तो वो समझ जाती है कि ये तो जा नहीं पाएगी। उसे लगता है कि युमा भी इसी काम में है, इसलिए वो उसकी मदद भी कर देती है कि चलो ठीक है। फिर वो उसे घर छोड़ने के लिए कहती है। युमा मान जाती है, फिर मैं उसे अपने कार में बिठा लेती है और बहुत सारी बातें करती है। युमा को वो एक अच्छे दोस्त की तरह ट्रीट करती है, जिससे युमा भी काफी खुश होती है और बड़ी आसानी से उसका ये लंबा सफर कट जाता है। लेकिन जाते जाते युमा के मन में यही सवाल होता है कि अब उसे फुजुमाटो की कंपनी में जॉब नहीं मिलने वाली और अब मजबूरन उसे सायगा के पास ही काम करना होगा। इसके अगले दिन युमा सायगा के पास जाती है, लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचती है तो सायगा को पहले से ही पता चल जाता है कि युमा कहीं और जॉब के लिए गई थी। इसलिए सायगा उसे ताने मारते हुए कहती है कि तुम जैसी लड़की को कोई काम पर रखेगा नहीं, शुक्र है कि मैंने तुम्हें जॉब दे दी थी। जिस पर युमा कुछ नहीं कहती, बस हल्की सी मुस्कान देती है और वहाँ से चली जाती है। फिर घर जाने के बाद युमा अपनी नई दोस्त मे को कॉल करती है और उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं काम क्या करती है, इसलिए वो उससे मिलने चली जाती है। मैं को भी पता होता है कि युमा की कोई मजबूरियां होंगी और उसकी बीमारी उसे किसी के करीब नहीं आने देती, इसलिए मैं उसका पूरा साथ देती है और उसे वो सारी चीज दिलाती है जो उसकी उम्र की लड़कियां पहनती हैं। वो उसे एक नए हेयर कट के लिए भी ले जाती है और फिर दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। उधर सायका युमा की मॉम को कॉल करती है कि युमा कई दिनों से काम पर नहीं आ रही है और उसका ध्यान काम पर लग नहीं रहा। लेकिन युमा की मॉम कहती है कि वो रोज काम पर तो जाती है, लेकिन वहाँ जब युमा घर आती है तो उस पर सवालों का पहाड़ टूट पड़ता है। उसकी माँ उससे बार बार पूछती है कि कहाँ थी तू। युमा जवाब देती है कि मैं कैफे में बैठकर काम कर रही थी, शायद इसलिए सायगा को लगा कि मैं काम पर नहीं आई। लेकिन उसकी माँ को उस पर यकीन नहीं होता और वो परेशान होने लगती है। उसे समझाती है बेटा ऐसे बिना बताए कहीं पर जाया मत करो तुम। जिस पर युमा जवाब देती है कि माँ मुझे कोई भी इंसान या लड़का खराब नजर से देखता ही नहीं, क्योंकि मैं उस लायक हूँ ही नहीं। ये कहकर वो अपने कमरे का दरवाजा बंद कर देती है, जिसके अगले दिन युमा की मॉम उसे सायगा के पास छोड़ने के लिए खुद जाती है और सायगा से कहती है कि आज से मैं उसे खुद लेकर भी आऊंगी और लेकर जाऊंगी भी। लेकिन आधे दिन के बाद युमा सिर दर्द का बहाना बनाकर घर जाने की परमिशन मांगती है और वो चले जाती है। लेकिन वो घर नहीं जाती बल्कि मई के पास जाती है और शाम को जब युमा की मॉम सायगा को कॉल करके उसकी खबर लेती है तो सायगा कहती है कि वो तो दिन में ही घर चली गई थी। दूसरी ओर हम देखते हैं कि युमा अपनी जिंदगी के बेहतरीन पलों का मजा ले रही है। वो खुद को आजाद महसूस कर रही थी और कई नए लोगों से मिलती है जो उसकी तरह थे। उसकी बीमारी के बावजूद भी उसे वो अपनाते हैं। वही उधर घर पर युमा की मॉम सायगा की बात सुनकर परेशान हो जाती है और सोच में पड़ जाती है कि आखिर युमा इतने दिनों से जा कहाँ रही है और किससे मिल रही है।
जिसके बाद वो यूमा के कमरे में जाती है और उसका सामान देखना शुरू करती है। वह उन्हें एडल्ट कॉमिक्स में की दी हुई ड्रेसेस और भी कई चीजें मिलती है जो उन्होंने कभी सोची नहीं थी, क्योंकि उन्होंने हमेशा अपनी पहली प्रायोरिटीज पर यूमा को ही रखा था। लेकिन आज उनके पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। अब वो बस यूमा के आने का इंतजार कर रही है। उधर यूमा शराब के नशे में अपने दोस्त के साथ घर की ओर आ रही थी, लेकिन नशे में होने की वजह से कार में वो अजीब तरह से बातें कर रही थी, जैसे कि वो कितने साल की है और उसने क्या क्या किया है, जिसे सुनकर उसका दोस्त खूब हंसता है। यूमा चुपके से घर के अंदर घुसती है, लेकिन उसकी माँ आज सोई नहीं थी। वो यूमा के कमरे में बैठी उसका इंतजार कर रही थी और जमीन पर यूमा का सारा सामान बिखरा पड़ा होता है। उसकी माँ उससे पूछती है कि यूमा ये सब क्या है। यूमा कुछ नहीं बताती और उसकी माँ गुस्से में उसे मारने लगती है और यूमा की शॉर्ट ड्रेस जबरदस्ती उतारने लगती है। वो यूमा चिल्लाते हुए कहती है कि मैं बच्ची नहीं हूँ। तभी उसकी माँ को यूमा के मुंह से शराब की महक आती है, जिसके बाद वो उसे फिर से मारना शुरू करती है और जबरदस्ती नहलाने के लिए ले जाती है। यूमा कहती है कि मैं अकेले रह सकती हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। सच यही है कि आपको अकेले रहने से डर लगता है, इसलिए आपने मुझे अपने साथ रखा है। आपके इस व्यवहार की वजह से पापा हमें छोड़कर चले गए। ये सब सुनकर उसकी माँ को बहुत ही बुरा लगता है और जाते जाते यूमा फिर से कहती है कि अब उसे उनकी जरूरत नहीं है। लेकिन पूरी रात यूमा उसी टब में लेटी रहती है, क्योंकि उसके पास इतनी ताकत नहीं थी कि वहां से वो उठ खड़ी हो। तभी उसे एहसास होता है कि उसकी माँ की कितनी जरूरत है उसे, जिसके अगले दिन उसकी माँ आकर उसे उठाती है। सबसे पहले यूमा अपना फोन ढूंढती है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। जब वो अपनी माँ से पूछती है तो वो कहती है कि तुम आज से मेरा फोन इस्तेमाल करोगे, यानी उन्होंने उसका सोशल मीडिया चलाना बंद कर दिया है। अब यूमा को घर में कैद कर दिया जाता है, जिससे उसका दम घुटने लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती। जिसे कुछ दिन बाद जब उसकी माँ उसे डॉक्टर के पास ले जाती है तो यूमा मौका देखकर वहां से भाग जाती है और पूरे दिन यूं ही भटकते रहती है। फिर जब उसे कुछ समझ में ही नहीं आता तो वो मैं को कॉल करती है। मैं अपने दोस्त तयोशा के साथ जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें जबरदस्ती घर जाने के लिए नहीं कह रही, लेकिन जब तुम्हें लगे कि तुम्हें घर जाना है तब तुम चली जाना। तब तक के लिए तुम मेरे दोस्त तोशे के साथ रह सकती हो। यूमा मान जाती है और मैं के साथ तोशे के घर चले जाती है। उधर उसकी मॉम पूरे दिन रात पागल की तरह यूमा को ढूंढ रही थी, लेकिन यूमा का कोई पता नहीं चलता। इसलिए आखिर में उसकी मॉम पुलिस के पास जाती है, लेकिन 24 घंटे अभी पूरे नहीं हुए थे, इसलिए पुलिस उसकी कंप्लेंट दर्ज नहीं कर सकते। अब इधर अगली सुबह हम देखते हैं कि तोशिया यूमा के पास आता है और मैं उसे कुछ कपड़े देती है जो यूमा पहन लेती है, जिसके बाद तोयोशा उससे पूछता है कि क्या तुम्हें आज तक किसी चीज की कमी महसूस हुई है या कोई ऐसा काम है जो तुम करना चाहती हो। तो यूमा उसे एक पोस्ट दिखाती है जो उसके डैड की थी, जिसके पीछे एक एड्रेस लिखा हुआ था और यूमा वहां जाना चाहती है अपने डैड से मिलने के लिए, क्योंकि वही एक थे जो उसकी सारी मजबूरी समझते थे। उनकी आंखों में वो खूबसूरत सी लड़की थी, लेकिन फिर वो उससे दूर हो गए। तोशिया उसी वक्त उसे उस एड्रेस पर लेकर जाता है और जब वहां पर वो जाते हैं तो उन्हें कोई और ही मिलता है जो असल में उसके अंकल है। यूमा उन्हें अपने बारे में बताती है और उसके अंकल बताते हैं कि उसके डैड 3 साल पहले गुजर चुके हैं, लेकिन वो हर हफ्ते उसे एक लेटर लिखते थे जिसमें उन्होंने अपनी आखिरी दिनों के बारे में लिखा था, पर शायद तुम्हारी माँ ने वो लेटर तुम्हें दिया ही नहीं है। उनके आखिरी दिनों में वो तुम्हें याद करते थे और उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि वो तुमसे मिल सके, लेकिन तुम्हें आने में देर हो गई। ये सब बात सुनकर यूमा का दिल टूट जाता है और वो रोने लगती है। उसे अब समझ में नहीं आता कि उसकी मॉम ने ऐसा क्यों किया। फिर वो अपनी माँ को कॉल करती है और बताती है कि अब वो एक सफर पर निकल चुकी है और जल्द ही घर लौट जाएगी। वो उसकी मॉम उसे वापस आने के लिए रिक्वेस्ट करती है, लेकिन यूमा को अब अपने आप को पहचानना था। इसके बाद वो एक स्कूल में जाती है जहाँ एक लड़की पढ़ाती है। अब ये कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की बहन है, जिसे यूमा आज पहली बार मिल रही थी और ये बात उसे उसके अंकल ने बताई है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और उन्हें एक दूसरे को समझने में थोड़ा वक्त लगता है और उनको जल्दी ये समझ में आ जाता है कि उनके रगों में दौड़ने वाला खून एक ही है। यूमा उससे पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि हमारे मॉम डैड अलग क्यों हैं? उसकी बहन कहती है कि मॉम तुम्हें शायद उस दुनिया से अलग रखना चाहती थी, उन्हें डर था कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। जाते वक्त उसकी बहन कहती है कि मुझे पता था कि मेरी एक बहन भी है और वो अपाइज है, इसलिए मैंने तुमसे कभी मिलने की कोशिश नहीं की, लेकिन आज मुझे पता चल चुका है कि तुम वैसी नहीं हो जैसे मैंने सोचा था। तुम्हारा दिल बहुत ही अच्छा है। ये कहकर वो यूमा को गले लगा लेती है और दोनों रोने लगते हैं। फिर वो यूमा से वादा करती है कि वो उसे मिलने के लिए जरूर आएगी और उन सभी पलों को साथ में जिएगी जो उसने मिस कर दिए हैं। इस तरह दोनों फिर से अलग हो जाती हैं। अब रात होने पर यूमा अपनी बहन के बारे में ही सोचती रहती है, जिसके अगले ही दिन वो घर वापस आ जाती है और अपनी माँ को अपनी ट्रिप के बारे में बताती है और यूमा उन्हें अपने बचपन की कुछ फोटोज भी दिखाती है जो असल में उसकी बड़ी बहन यूका ने उसे दिए थे। यूमा बताती है कि उनकी बड़ी बेटी आपसे मिलना चाहती है। ये सुनकर उसकी मॉम उसे गले लगाकर खूब रोती है। दोस्तों, ये बहुत ही इमोशनल सीन होता है इस मूवी का,
उसकी मॉम को शायद एहसास हो गया था कि उन्होंने युमा के साथ जो भी किया था वो गलत था, इसलिए वो उससे माफी मांगती है। अब कुछ दिन बाद युमा फिर से फुजिमोटो के पास जाती है, लेकिन इस बार वो जॉब मांगने के लिए नहीं जाती बल्कि उसका शुक्रिया अदा करने के लिए जाती है। क्योंकि दोस्तों कभी कभी कुछ लोग आपकी जिंदगी में आते हैं और वो कुछ ऐसा बदलाव कर जाते हैं जिसकी वजह से वो आपकी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाता है और हमेशा आपकी यादों में रह जाते हैं। ऐसी फुजिमोटो की वजह से युमा की ये कहानी शुरू हुई थी और अब शायद खत्म भी हो गई है, क्योंकि अब उसकी जिंदगी में एक नया यात्रा खुलने वाला है। फिर फुजिमोटो उसकी आर्ट को देखती है और उसकी बहुत तारीफ करती है। फिर युमा के जाने के बाद फुजिमोटो उसे एक ऐसे कंपनी का रेफरल देती है जो एडल्ट नहीं बल्कि फैमिली कार्टून बनाती है। वहाँ पर युमा की जॉब लग जाती है और आज युमा बहुत ही खुश है, उसके चेहरे पर मुस्कान साफ झलक रही थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी मूवीज एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।